तो वियतनाम जो है कि अपना एकीकरण का काम कर रहा था, वहां का जो नेता थे, वहां का जो लीडर था, उसका नाम था हो चिन मिन। क्या नाम था? हो चिन मिन। तो वो नेता थे। अमेरिका क्या किया, उसका वहां की जो एकीकरण की जो व्यवस्था थी उसमें अमेरिका क्या किया, अपना जो है कि हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वहां के लोग वहां पर जो है ना अपना टांग अड़ाना शुरू कर दिया। जैसे गांव घर में भी देखा होगा, बहुत सारा आदमी क्या करता है कि तुम दो आदमी अपना काम करेगा ना, तो तीसरा आदमी क्या करेगा, बिना मतलब का उसमें टांग अड़ाएगा, बिना मतलब का उसमें टांग अड़ाना शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू कर देगा तुमसे। तो अमेरिका भी यही काम किया। तो हुआ क्या था कि अमेरिका जब इस तरह से करने लगा तो वियतनाम और अमेरिका में युद्ध होना शुरू हो गया। वियतनाम और अमेरिका में जब युद्ध होना शुरू हो गया तो अमेरिकी सेना जो है वो वियतनाम को तहस नहस करने के बारे में सोचने लगी। संपूर्ण विश्व में अमेरिका क्या कर लिया कि वियतनाम को जो है एक अपना प्रतिष्ठा बना लिया कि वियतनाम को हमको जीतना ही है, वियतनाम का जो है इसका हम क्या कर देंगे, इसको हम ढंग से जीने नहीं देंगे। तो जब अमेरिका और वियतनाम में युद्ध हो रहा था तो वियतनाम के अंदर में एक दक्षिण वियतनाम में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है माइली। तो माइली गांव की घटना क्या है, इसको समझिए ठीक से कि माइली गांव की घटना जो है कि माइली दक्षिण वियतनाम में एक छोटा सा गाँव है। माइली दक्षिण वियतनाम में एक छोटा सा गाँव था जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर सभी पुरुषों को मार डाला, औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच एक बूढ़ा जिंदा बचा रह गया था जिसने इस घटना को उजागर किया। अमेरिकी सेना जो है कि पूरे गाँव में जितने पुरुष थे, जितना मेल था, जितना पुरुष था, सबको जो है क्या किया, पूरा पहले पूरा गांव को घेर लिया, जितना पुरुष था सबको मार दिया, जितना पुरुष था सबको मार दिया, और जितनी महिलाएं थी, बच्चियां थी, है ना, सबको जो है कि बंधक बना दिया, एक रूम में सबको घेर करके रख लिया। और घेर करके रखने के बाद उसके साथ में ना दुर्व्यवहार किया, कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, एक जघन अपराध किया, ठीक है। और इसके बाद जो महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार करने के बाद वो क्या किया, उस गांव को ही, पूरा गांव को ही क्या किया, आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जो है लाश के बीच में एक बूढ़ा दबा कर रह गया, है ना, कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ठीक है। तो जब जिसको बचाने वाला परमात्मा होता है तो उसको मारने वाला कोई होता है जी? नहीं। तो सबको तो मार दिया। अमेरिका की सेना समझ गई कि अब जो है कि कोई है नहीं जो कि मेरा विरोध करेगा, जब कोई है ये नहीं, मेरा विरोध ये नहीं करेगा, तो जो मेरा मन में हुआ वही हम करेंगे। तो सब जितना आदमी है सबको मारिए दिए हैं, पुरुष सबको, जितनी महिलाएं हैं सबको घर में डाल करके आग लगा ही दिए हैं, गांव जलकर राख ही हो गया है, तो इतिहास में मेरा नाम छपने वाला नहीं है। तो कहते हैं ना कि हो ये वही जो राम रची राखा, तो हुआ वही जो परमात्मा का मर्जी था कि लाश के बीच में एक बूढ़ा दबा हुआ रह गया। और बूढ़ा जब दबा हुआ रह गया तो वो बूढ़ा जब निकला लाश के बीच से तो पूरे दुनिया को इस घटना का को उजागर किया, पूरी दुनिया के सामने इस घटना को उजागर किया, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जब इस घटना का उजागर होने लगा तो अमेरिका की किरकिरी होना शुरू हो गया। लोग जो है पूरे दुनिया में अमेरिका को थू थू करना शुरू कर दिया, अमेरिका की जो सेना है उस पर आरोप लगाना शुरू हो गया।